यहाँ पर? हाँ क्यों, मुझे देखकर इतना झटका क्यों लग गया तुम्हें? किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? नहीं एक्चुअली वो मुझे लगा कि आप मुझसे अपसेट हैं और नाराज हैं क्योंकि मैं अंबिका को बचाने गया था, सो आई थॉट कि आप यहाँ पर क्यों आएंगे। मैं तुमसे बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही समझी। अगर तुम भूल गए हो रवि तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं अब भी तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उस बात का असर पड़ता है मुझ पर। मुझे ये जानने का हक है कि तुम अंबिका को बचाने क्यों गए। तुम पर गुस्सा होने का हक है। तुम जानते हो ना कि वो साकेत कितना खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है, फिर भी तुम अंबिका को बचाने चले गए, अपनी जान दांव पर लगा दी उसके लिए। अगर वो साकेत तुम पर गन चला देता तो मेरी आइडिया मेरा क्या होता? मेरे बारे में नहीं सोचा ना तुमने, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी, ना मैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी माँ, किसी की परवाह नहीं है तुम्हें, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। वेरी सेल्फिश रवि। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब तो क्यों किया तुमने ऐसा? आज मुझे जानना है अंबिका का किस्सा क्या है। What the hell is with this अंबिका? कि तुम अपना सारा होश गवा देते हो, उसके पीछे लग जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। क्या लगती क्या है वो तुम्हारी? बोलो ना क्या लगती है, बोलो जवाब दो। अभी भी लगती है मेरी वो। She's my wife. कि वो अंबिका है देविका नहीं है। क्यों आप आपको धोखा दे रहे हो तो? कोई शक कोई धोखा नहीं है मुझे, मेरे पास पक्का सबूत है इस बात का कि वो अंबिका रायचंदी देविका है, मेरी देविका। किस सबूत की बात कर रहे हो तुम? बर्थ मार्क। अंबिका के पैर पर भी वही बर्थ मार्क है जो देविका के पैर पर था, ठीक उसी जगह पर सेम बर्थ मार्क। आई थिंक इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। वो अपनी हैंडराइटिंग बदल सकती है, सिग्नेचर बदल सकती है, अपने फिंगरप्रिंट बदल सकती है, लेकिन बर्थ मार्क नहीं बदल सकती। ये कोई संजोग या कोइंसिडेंस नहीं है कि एक जैसी दिखने वाली दो लड़कियां अंबिका रायचंद और देविका, उन दोनों के पैर पर एक ही जगह पर सेम बर्थ मार्क। एंड आई थिंक ये सबूत काफी है आपके लिए, मेरे लिए, इस बात पर यकीन करने के लिए वो अंबिका रायचंद नहीं मेरी देविका है। शी इज माई वाइफ, मेरी पत्नी है। जूस पी ले पुत्र, जूस ले ले। मेरे को नहीं पीना मम्मी, मेरा क्या होगा? मुझे धक्के मार के निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ? कौन दीपिका रब, ये रोना धोना तू सुबह से देख रही हूँ, रोए जा रही है, रोए जा रही है। अरे गल दस मैनो, तू मेरी बेटी होकर इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि उस लूथरा की बच्ची ने तुझे घर से धक्के मार कर निकाला और तू निकल आई। दूसरी तरफ तेरा भाई बड़े बड़े काले कारनामे करता रहता है, वो रब के कहर से भी नहीं डरता। मेरी गलती थी जो बचपन में मैंने ना उसके कान नहीं खींचे, उसकी हर गलती को मैं नजरअंदाज करती रही, और आज तो वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि अपनी माँ को ही नहीं पहचानता। वो पेड़ा गर्व उस निवेदिता का, वो तेरी इंसल्ट करती रही हो तू सहती रही, वो दो चपेड़े मारनी थी उसको गाल पे लगा के। अरे अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता तूने। भाई तेरा वो निठल्ला पति, मेरा बेवकूफ दामाद, खड़ा खड़ा वो तमाशा देखता रहा, तेरी इंसल्ट होते हुए देखता रहा, उसे इतना नहीं हुआ कि उसको रोक सके। इसी चीज का तो दुख है मुझे, मुझे लगा वो मुझे प्यार करता है, जैसा भी है मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी करेगा, पर उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तभी तो रो रही हूँ। अब आया असली हथियार मेरे हाथ में मिस लूथरा, एकदम राम बाण जो तुम्हारे घमंड को लाठ मार के तोड़ देगा। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो मिस लूथरा, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जहां मैं तुम्हें पहले से पहुंचाना चाहता था, सीधा पाताल। अब बस देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। पहले तो मैं तुमसे अपनी पत्नी श्वेता की बेइज्जती का बदला लूंगा, फिर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। थोड़ा सब्र करो, जस्ट वेट एंड वॉच। इसका क्या मतलब हुआ? वो तुम्हारी
देविका है, तुम उसे प्यार करते हो तो फिर मेरा क्या? मैं जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ उस प्यार का क्या? वो कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। कौन से रवि, हमारी एंगेजमेंट हो चुके हैं रवि, संगीत की सेरेमनी फिक्स हुई है, ये सब भूल गए हो क्या तुम? कल तो हमारा संगीत सेरेमनी होने वाला है, अब क्या करो? काश मैंने सिलाई नहीं की होती तो आज मेरी वजह से मिस लूथरा को इतना दुख ना होता। इन्हें जाने अनजाने में कितना हर्ट कर दिया है इन्हें, क्या कहूँ मैं इनसे? चुप क्यों, बोलो ना रवि, अब जवाब दो ना। इतना कुछ तो सोच लिया तुमने अपने लिए, तो फिर मेरे लिए भी सोचा होगा ना। सारी दुनिया जानती है रवि कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, और तुम ही आए थे ना मेरे पास एंगेजमेंट के लिए। तुम इन्हें जल्दबाजी की थी ना, मैं आई थी तुम्हारे पास। सबके सामने क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो तुम? तुम नहीं जानते एक लड़की के दिल में क्या अरमान होते हैं, क्या सपने होते हैं। क्यों मेरे सपने तोड़ना चाहते हो तुम? क्यों मेरे सपने संग कर रहे हो तुम? तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे अपने से अलग मत करो। आई एम रियली सॉरी मिस्टर क्रॉप, माफी चाहता हूँ मैं आपसे, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो तब हुआ था जब मुझे अंबिका रायचंद की सच्चाई नहीं मालूम थी, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कुछ भी हम दोनों को लेकर गलत फहमी रहे। देविका जिंदा है मिस लूथरा, मैं पहले से शादीशुदा होकर किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ मिस लूथरा? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस लूथरा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो जो कुछ भी हमारे बीच में तय हुआ है वो मुझसे नहीं हो पाएगा मिस लूथरा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए मिस लूथरा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम कुछ नहीं समझ सकते क्योंकि तुम मतलब ही हो। सही कहा था मैंने तुम्हारे बारे में, इतना मतलब ही कोई कैसे हो सकता है रवि? सिर्फ अपनी खुशियां चाहिए तुम्हें, इसके लिए तुम मेरी खुशियों का गला घोट दोगे? क्या देविका देविका कर रहे हो? जब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी तब तो तुम्हें मेरा प्यार कबूल था, हाँ तब मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे तुम। अब जब वो वापस आ गई है तो तुम मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक रहे हो। I don't get hurt or what, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे दर्द नहीं होता। How can you do this to me? Don't touch me. Stay there. मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए रवि, क्या कुछ नहीं किया। कितना प्यार किया मैंने तुम्हें रवि, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सबको सपोर्ट किया, अपने डैड अपने भाई बहन सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हें दिया, तुम्हारी फैमिली को दिया, और तुम बार बार मेरा दिल तोड़ते हो, बार बार वाय रवि क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो? मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं आपको दुख दूं। मैं आपके और आपके दिल में जो मेरे लिए प्यार है मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने जितने भी मुझ पर एहसान किए ना, मैं कोई एहसान नहीं बोला, कोई भी नहीं, और ना ही कभी भूलूंगा मिस लूथरा। आप हमेशा मेरी अच्छी दोस्त हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे मिस लूथरा, हमेशा रहेंगे। प्लीज मेरी बात को यकीन कीजिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए मिस लूथरा, प्लीज। अक्षर का शब्द प्यार बड़ा ही अजीब शब्द है, जब दोनों तरफ से होता है ना मिस लूथरा तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां ऊपर वाले ने हमारी छोली में डाल दी। लेकिन अगर यही प्यार एक तरफ से तो दिल टूट जाता है मिस लूथरा, गहरा दर्द बन के जिंदगी भर हमारे दिल में रह जाता, हमें तोड़ देता, हमारी जिंदगी को नरक बना देता। फिर चाहे वही प्यार देविका के लिए मेरा हो या फिर मेरे लिए आपका मिस लूथरा, मैं आपका ये दर्द अच्छी तरह समझ सकता हूँ।
मुझे मालूम है इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं जब मैंने अपनी देविका को खो दिया। I'm really sorry, मिस लूथरा, मैं चाहकर भी आपका ये दुख दूर नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा मिस लूथरा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफी की भीख मांगता हूँ। प्लीज मिस लूथरा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। मिस लूथरा, आपने मेरी बहुत सहायता की और मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगा मिस लूथरा। लेकिन जो प्यार आप मुझसे मांग रही हैं मिस लूथरा, वो मैं आपको नहीं दे सकता। मिस लूथरा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं देविका से कितना प्यार करता हूँ। बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मिस लूथरा, मैं देविका से।